साउथ की मशहूर एक्ट्रेस में से एक रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस विजय देवरकोंडा के साथ अपनी रिलेशनशिप की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं और उनके फैंस के मन में बस यही सवाल रहता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है या नहीं। और दोस्तों आज हम आपको इसी वीडियो में इनकी स्टोरी की सच्चाई क्या है ये बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी फिल्म किरिक पार्टी के को एक्ट्रेस रक्षित सेट्टी के साथ अपने रिश्ते को लेकर रश्मिका ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तो वहीं अपनी पहली फिल्म के दौरान रश्मिका ने अपने को एक्ट्रेस को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 2017 में दोनों ने अपने होम टाउन जाकर सगाई भी कर ली थी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को देख दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। बता दें कि रश्मिका की इस रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म गीता गोविंदम में दोनों ने एक साथ काम किया। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, जिससे कि दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो वहीं इस फिल्म के सुपरहिट होने के साथ ही इन दोनों को कई सारी बड़ी फिल्मों का ऑफर भी आया, जिसके बाद रश्मिका ने सगाई तोड़ने का फैसला लिया और अपने करियर को चुना। लेकिन साल 2019 में आई फिल्म काम रेट में उन्हें एक बार फिर से विजय के साथ काम करने का मौका मिला, जिसके बाद इन दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई। लेकिन उस वक्त रश्मिका अपने ब्रेकअप से काफी उभरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनके दोस्त विजय देवरकोंडा ने पूरा साथ दिया। विजय रश्मिका के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हुए नजर आते थे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई तो रश्मिका विजय देवरकोंडा से दूर होने लगी। असल में रश्मिका इस वक्त किसी भी तरह की रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि वो इस वक्त सिर्फ अपने करियर पर फोकस रखना चाहती हैं और इस वजह से उन्होंने विजय से दूरी बनाना ही सही समझा। कुछ वक्त बाद ही रश्मिका ने विजय से बात करनी भी बंद कर दी। एक बार रश्मिका ने बताया कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। तो दोस्तों आपको रश्मिका और विजय देवरकोंडा की लव स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही मजेदार और चटपटी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।